संगठन है पंजाब के, उनकी तरफ से कोशिश हुई थी, बात हुई थी, क्या इस बार भी कुछ ऐसा जरिया हो सकता है क्या? देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रही है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने इससे पहले जो उन खबरों को गलत करार दिया था, जिसमें कहा गया था कि अमृतपाल अपने सेंटर करने से पहले कई तरह की शर्तें रख रहा है। तो पंजाब पुलिस ने साफ किया था कि हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही है, हम अच्छा। सिर्फ उसको पकड़ने के लिए लगातार रेड कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया जा रहा है। तो अभी तक कोई ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है कि किसी बातचीत के तहत सरेंडर किया गया हो, क्योंकि पंजाब पुलिस ने पहले से ही साफ कर दिया था कि एनएसए अमृतपाल और उसके साथियों पर लगा हुआ है और उसे गिरफ्तार करते ही डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा, जो कि पहले भी इस मामले में 9 आरोपियों के साथ हुआ है। तो लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई बातचीत अब तक पंजाब पुलिस के साथ हुई है और ये सोची समझी तैयारी के साथ किया गया सरेंडर होगा, मजबूरी में किया गया सरेंडर लग रहा है कि अमृतपाल मजबूर था, अब उसके पास भागने के कोई ऑप्शन नहीं बचे थे, कोई जगह नहीं बची थी, इसी वजह से उसे सरेंडर करना पड़ा। मोहित, जो ये माहौल बनाया हुआ था अमृतपाल ने कि उनके पीछे सैकड़ों हजारों समर्थक है, अगर अमृतपाल की गिरफ्तारी हो गई तो बवाल हो जाएगा, इस तरह की बातें थी, अब सब कुछ खत्म हो चुका? देखिए लगातार अमृतपाल जब फरार हुआ था उसके बाद इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई पंजाब में, और देखा गया, आकलन किया गया कि क्या रिएक्ट करती है जनता, लेकिन जनता ने पूरी तरह से कोई भी रिएक्ट नहीं किया, यानी कानून को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले लोगों की बात करने वाले लोगों के साथ पंजाब की जनता खड़ी नहीं हुई, कहीं से भी कोई ऐसा बड़ा हंगामा या बवाल नहीं हुआ जिसकी कोई आशंका जताई जा रही थी, इसी वजह से पहले इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई और उसके बाद से लगातार अमृतपाल की तलाश में छापेमारी की गई।